जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो लगातार बिगड़ रहे हैं और जम्मू डिवीजन जो है वो अब आतंकवाद का नया निशाना जो है वो बना हुआ है। अब लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि पत्नी टाप का इलाका है, वहां पर एनकाउंटर चल रहा है और इस वक्त वहां पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो जारी है। कुछ देर पहले वहां पर 15 से 20 मिनट के करीब जो है फायरिंग हुई है और उसमें फौज, पुलिस और मिलिटेंट्स के बीच में जो है वो फायरिंग हुई है। मैं बता दूं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन जो है वो 78 इंडिपेंडेंस डे को रहे और पाकिस्तान की ये अक्सर कोशिश रहती है कि चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, उसके आसपास जो है आतंकी जो गतिविधियां हैं उनको तेज करता है और साथ में यहाँ पर आतंकी कार्रवाइयां भी करता है। मैं बता दूं कि जो हमारे पास डिटेल्स मिली है वो अक्कर फॉरेस्ट है। अक्कर फॉरेस्ट जो है सराउंडिंग है फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट पटनी टाप के। और मैं बता दूं कि ये खबर जो है वो खुद जो डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन से उन्होंने कंफर्म की है और बताया है कि आज शाम यानी ट्यूसडे की शाम को जो है इंटेलिजेंस इनपुट मिला था। उसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया है अक्कर फॉरेस्ट में, जो कि पटनी टाप के करीब है। और फिर मिलिटेंटों के साथ जो है वो एस्टेब्लिश हुआ कॉन्टैक्ट और फिर फायरिंग हो गई दोनों तरफ से। उसके बाद जो है वहां पर ऑपरेशन जो है वो जारी है। मैं बता दूं कि हमने 2-3 दिन पहले यहां पर पडियारना में जो है वो मिलिटेंटों ने जो है वो आर्मी की पार्टी को जो है वो एम्बुश किया था। वो दरिया को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। उसके पहले जो है वो कास्तीगढ़ में एनकाउंटर होता है। और अभी हमें कुछ देर पहले ये भी खबर मिल रही थी कि आर्मी ने जो है वो असर के एरिया में भी कहीं जो है वो फायर खोला हुआ है और लेकिन वहां से जो है वो जवाबी रिस्पांस नहीं मिला। उनको वहां सस्पेक्ट मोमेंट जो है वो मिली थी और उसके बाद उन्होंने वहां फायर खोला था। लेकिन जो ये अक्कर फॉरेस्ट एरिया है, ये सुदमादेव की जो सड़क हमारी जो नई बननी है, आपको सुना होगा अक्सर कि सुदमादेव गोह मरमट टनल जो है वो बन रही है, उसमें जो है ये इलाका जो है एक तरफ से सुदमादेव और दूसरी तरफ से मरमट का इलाका जो है वो डोडा का। और अगर हम फिर वहां से नीचे उतरे तो असर जो है वो आता है और फिर असर के अपोजिट जो है वो कास्तीगाड़ है। पिछले 2 महीनों में लगातार जो है वो आतंकी गतिविधियां जो है वो बढ़ रही है। हालांकि कुठवा में जो है वो कुछ लोगों को जो आतंकियों को मदद कर रहे थे उनको गिरफ्तार भी किया है और एक बड़ी कामयाबी जो है उसको पुलिस ने बताया है और उन पर जो है वो एनिमी ऑर्डिनेंस एक्ट जो है वो लगाया गया है। ये एक ऐसा स्ट्रिंजेंट लॉ है जिसमें एक शख्स को उम्र कैद से लेकर डेथ पेनल्टी तक जो है वो मिल सकती है। गवर्नमेंट जो है वो आतंकवाद को जो है वो सीरियसली ले रही है और उसको में जो लोग मुलाविस है उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। प्रॉपर्टीज जो है वो सीज हो रही हैं, चाहे वो ड्रग्स के केस की हो या आतंक की, क्योंकि आतंक और ड्रग्स जो है वो रिलेटेड है। अभी यही खबर है कि जो पत्नी टाप एक वेल नोन टूरिस्ट रिजॉर्ट है जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं, अभी वो भी जो है वो आतंकवाद से जो है वो तेल उठा है और अभी जो है वो वहाँ पर फायरिंग की जो है वो खबरें कुछ देर पहले आ रही थी, लेकिन अभी जो है वो किसी तरह की फायरिंग की जो है वो खबरें नहीं आ रही है इस वक्त। लेकिन आर्मी और पुलिस ने जो है वो पूरे एरिया को कार्डन करके रखा हुआ है, क्योंकि इस वक्त रात है और जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है वो फूक फूक कर जो है वो कदम रख रहे हैं ताकि हमारा जो है वो नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम एक दर्जन से ज्यादा अपने जवान जो है वो खो चुके हैं। चाहे 5 जवान जो है वो कुठवा टेरर अटैक में मरे हैं, फिर हमारा जो डोडा में जो हमारे 4 जवान वहां पर मरे जिनमें कैप्टन ब्रिजेश थापा था, उसके अलावा हमारे कई जो आर्मी के जवान हैं वो जख्मी हो गए। कल भी 2 दिन पहले भी अनंतनाग में जो है वो हमारे 2 जवान जो है आर्मी के शहीद हुए, जबकि एक सिविलियन भी वहां पर जो है वो शहीद हुआ उस एनकाउंटर में। इसके अलावा जो है वो कई जगह से जो है वो एनकाउंटरों की खबरें जो है वो हमारे पास लगातार हम करते रहे, चाहे वो गुंदव का हो, छत्रगला का हो, डोडा का हो, देसा का हो, हर जगह से जो है वो एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं। और जो अनस्पेसिफाइड नंबर पहले बताया जा रहा था, अब वो बताया जा रहा है 250 से 300 के करीब जो है वो आतंकी जम्मू डिवीजन में जो है वो आए हुए हैं और इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, किए हुए हैं। और कुछ लोग जो है वो ये नंबर जो है वो और भी ज्यादा बता रहे हैं। हालांकि कल हमने देखा कि किस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने इसको लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर आज भी जो है वो बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो सवाल जो है वो उठ रहे हैं कि ये आतंकवादी जो है वो किस तरह से यहां पर आए। और हमने देखा कि पिछले दिनों जो बीएसएफ के डीजी है उनको भी जो है
वो हटाया गया है, और जाहिर सी तौर से बात है कि वो इन्हीं की नाकामियों को लेकर जो है वो हटाया गया है, कि बॉर्डर पर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी हमें किस तरह से ये इनपुट नहीं मिले कि आतंकी जो है वो हमारे इलाके में घुसे। मैं बता दूं कि ये बॉर्डर मेरे घर का दरवाजा नहीं है जिसको हम बंद करें तो पूरा मकान जो है वो बंद होता है, ये कई हजार किलोमीटर है और इसको निगरानी करना इतना आसान नहीं है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि कश्मीरी में एक कहावत है चोरश गढ़, यानी कि जिसको जब चोरी करनी होती है उसको एक पल चाहिए उस चोरी को अंजाम देने के लिए। इसी तरह से जो पाकिस्तान है वो हमेशा जो है वो बॉर्डर पर एलओसी पर जो है वो नजरें गड़ाए रखता है और 24 घंटे गड़ाए रखता है, और अगर हमारी तरफ से थोड़ी सी भी आंख झपक गई वो उसका पूरा फायदा उठाकर जो है यहाँ पर आतंकी जो है जो लाचिंग पैड पर मौजूद होते हैं उनको जो है वो यहाँ की तरफ जो है वो धकेलते हैं। जो अभी जो पत्नीटॉप का एनकाउंटर है ये एक और उस साजिश का हिस्सा है, जहां पर ये खबरें आ रही हैं कि जो ये मिलिटेंट्स हैं इनके साथ पाकिस्तान के जो रेगुलर आर्मी के लोग हैं और ये पश्तून बोलते हैं और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के हैं, और इसमें वो लाट ज्यादातर है जो तालिबान के साथ जो है वो अफगानिस्तान में लड़ रहा था, यानी कि वो गोरिल्ला वारफेयर में जो है वो एक जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, और यहां पर अब वो कत्लो गारत करने के लिए आए हैं। और पत्नीटॉप का जो एनकाउंटर है वो एक बहुत बड़ा जो है वो अब उसमें एक और जो है वो लीप जो है वो जुड़ा है पाकिस्तान की साजिश का, और ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर का जो जम्मू डिवीजन है जो यहां पर टूरिज्म जो है वो बढ़ रहा था, यहाँ का ट्रेड बढ़ रहा था, आपने देखा कि किस तरह से सिंथन फेस्टिवल हुआ, वाड़वन फेस्टिवल हुआ, यहाँ पर सनो फेस्टिवल हुआ, राल रमन फेस्टिवल हुआ, भद्रवाह में जो है वो फेस्टिवल हुआ, वहां पर लाखों की तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं, वैष्णो देवी में पिलग्रम्स विजिट कर रहे हैं, मचेल यात्रा 1 लाख से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है। और इसी चीज को सबोटाइज करने के लिए जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो दो चीजें हासिल करना चाहता है, एक यहाँ पर कि हिंदुस्तान को जो है वो 1000 कट्स जो है वो ब्लीड करे और हमें खून के आंसू रुलाए, क्योंकि हमने देखा कि हमारा पिछले दिनों जो है वो काफी जानी नुकसान जो है वो हुआ है जिसमें हमारे जवान कहीं जो है वो मारे गए हैं, और अब जो यहाँ के लोगों का बिजनेस है उसको भी जो है वो पाकिस्तान जो है वो अब सबोटाइज करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी तरह से नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो अपने पाँव पर खड़े हो, यहाँ अमन आए और यहाँ पर जो है वो लोग जो है वो खुशहाली की जिंदगी जो है वो बसर कर सके। लेकिन बता दूं कि जो ये अब नया जो लॉट मिलिटेंट्स का आया है जो हमारी 25 से 30 साल की मेहनत थी वो अब एक तरह से जाया हुई है, और इसमें गलतियां हमारी है। अब ये वक्त नहीं है कि हम एक तरह एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने लगाया या अब बीजेपी फारूक अब्दुल्ला पे लगा रही है या लोग जो है वो इस पर बोल रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं। अभी ये वक्त सवालात उठाने का नहीं है कि किसकी नालायकी थी, किसकी गलती की वजह से इतनी बड़ी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो जम्मू डिवीजन में हुई। जाहिर से तौर से बात है कश्मीर डिवीजन में भी हुई होगी, लेकिन क्योंकि वहां पर अभी जो है वो साइलेंस है चीजें, क्योंकि कश्मीर से इस वक्त ज्यादा जो है वो मोटिव उनको जम्मू डिवीजन से खबरें भी मिल रही है और सब कुछ मिल रहा है। इसलिए मैं बता दूं कि ये एनकाउंटर जो है वो 2-3 घंटे पहले हमारे पास खबर आई थी, लेकिन अब जो है वो क्योंकि काफी वक्त गुजर चुका है, हम पैनिक लोगों में क्रिएट नहीं करना चाहते, तो मैं अब इस खबर के बारे में जो है वो सब लोगों को बता रहा हूं, और हम लोगों को भी जो है वो होशियार रहना चाहिए, लोगों को जो है अलर्ट रहना चाहिए, और जो लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे इस अगर उन्होंने कहीं मिलिटेंट्स को देखा, जब ये बात पता चलेगी उनको जो है वो स्ट्रिंजेंट एक्ट के तहत जो है वो बुक किया जाएगा, जिस तरह से कुठवा में 9 लोगों को बुक किया, हालांकि उसमें कुछ लोग डायरेक्टली और वॉलंटरीली जो है वो मिलिटेंटों के ओजीडब्ल्यू के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन जो लोग इंफॉर्मेशन नहीं देंगे या डिले इंफॉर्मेशन देने में करेंगे, अगर उनकी वजह से कल को कोई यहां पर हादसा होता है, नुकसान होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी वो देखते हैं मिलिटेंट की मूवमेंट या उनके पास वो खाना मांगने के लिए आते हैं या कुछ एक्टिविटी आप देखते हो, तो आपको चाहिए कि उसी वक्त जो है वो पुलिस और फौज को और एडमिनिस्ट्रेशन को जो है उसके बारे में रिपोर्ट करें। अभी किश्तवाड़ में भी जो है वो 3 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इसी तरह से असर में चल रहा है, इसी तरह से अब पत्नीटॉप में जो है वो एनकाउंटर हो रहा है। हम चाहेंगे कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो इन जो भी यहाँ पर मिलिटेंट्स उनको जल्द से जल्द फ्लैश आउट करें, ताकि यहाँ पर फिर से जो है वो अमन बहाल हो सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।